तो वैसे मैं माइनक्राफ्ट के नौजवान सोच रहा हूँ अच्छे तो अच्छे रहो, क्योंकि मैं फिर से आ चुका है एक नई डायरेक्टली डायरेक्टली कंटेंट के साथ। हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक लेता हूँ, लेकिन मैं कंसिस्टेंट होऊंगा। जो मैंने मुझे पता है प्रोनाउंस में नहीं कर पाया, लेकिन मैं वो ही होऊंगा। अब तुम समझ जाओ मैं वो प्रोनाउंस कर नहीं सकता। सो अपनी कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा कंटेंट ये है कि हम आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बिलैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, एंड आप कोई भी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नेसेसरली काम आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। आपको पता ही होगा आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें पानी फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन पानी फिल करने के लिए एक ब्लॉक होना जरूरी होता है जहाँ पानी रखा जाए, लेकिन वो हमारी फुल पॉन्ड के लिए नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि नहीं हो पाता, इसलिए हम आइस ब्लॉक को यूज़ करते हैं। लेकिन सर्वाइवल में आइस ब्लॉक को ढूंढना इट इज़ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं बोला लेकिन मुश्किल है, कभी कभी नहीं होता। दूसरी जगह आप यूज कर सकते हो स्लैब, जिसकी मदद से आप उसके ऊपर ऊपर पानी रख दें एंड रखने के बाद फुल वो फिल हो जाएगा। सो ये वाला बिल्ड हैक को आप यूज़ कर सकते हो माइनक्राफ्ट में, अगर आप पेप पॉन्ड बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हमारा नेक्स्ट बिल्ड हैक भी यही पॉन्ड के रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग करना रहता है, अगर नीचे से ऊपर तक अगर आप कोई ओशियन के ऊपर घर बना रहे हैं तो आपको नीचे से ब्लॉक लेके आना पड़ता है ऊपर तक, क्योंकि आप सर्फेस पर बिल्ड नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन आप उसके जगह यूज़ कर सकते हो लिली पैड, जिसके ऊपर आप इजीली ब्लॉक लगा सकते हो एंड उसके ऊपर आप अपना बिल्ड बना सकते हो, एंड इट इज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये वाला आपको बिल्ड हैक पसंद आ सकता है अगर आप सी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग करते हैं एंड आपको सी के ऊपर बनाना कुछ पसंद आता है। सो लेट्स रेडी फॉर अ नेक्स्ट हैक। आप देख सकते हो नेक्स्ट हैक हमारे आर्मर स्टैंड के रिलेटेड है। सो आर्मर स्टैंड में हमें पहले आर्मर लगाना है कोई सा भी, हम गरीब है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो हमने ये नॉर्मल चेन मेल का आर्मर लगा दिया एंड एक ऊपर ब्लॉक लगा के एक और आर्मर स्टैंड लगा के कोई सा भी हमारे माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा हेड है वो लगा देना है एंड जो बीच का ब्लॉक है वो तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कैसे एक इंसान की तरह, एक रियल ह्यूमन प्लेयर की तरह फिक्स हो जाता है एंड लगता है कि कोई इंसान ने पहना हुआ है ये सब आर्मर। ये वाली बिल्ड हैक आपको पसंद आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हो अपने टूल्स को एंड अपने शोकेस करते हो अपने टूल्स लोग को अपने दोस्तों के साथ, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है ये वाली बिल्ड हैक। सो नेक्स्ट के लिए हम रेडी हो जाते हैं फिर से। जैसे कि देख सकते हैं आप एक वाल को नॉर्मली इसे रख देंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन आपको वाल में आपको कुछ टच देना है, एक्स्ट्रा टच देना है, तो आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग यूज कर देंगे तो वाल में थोड़ा सा बम्प आएगा एंड उसकी वजह से आपको स्ट्रिंग अच्छा दिखेगा वाल एंड डेकोरेटिव मिले बहुत अच्छा है एंड आप ये बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो एंड एक एक वाल को छोड़ के करोगे तो और अच्छा लगेगा। ये वाले बिल्ड हैक को आप यूज़ कर सकते हो एज एक्स्ट्रा डिटेलिंग एंड आप डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो ये वाला बिल्ड हैक से। आप ये इसको फेंस पे भी यूज़ कर सकते हो एंड वॉल पे भी यूज़ कर सकते हो, सो आपको बिल्ड अच्छा दिखे। एंड नेक्स्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट बिल्ड हैक के लिए, जो वो भी है हमारे वॉल के ही रिलेटेड। सो चलिए देखते हैं। नॉर्मल वॉल्स एंड फेंस उतने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन आप में मत यूज़ कर सकते हो लैक्टन उसकी जगह फेंस की जगह पर, जो कि बहुत अच्छा दिखेगा एंड देख सकते हैं इतने ही से बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। लेकिन अगर ऊपर से आप स्लैब लगा दोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आएगी एंड आप डिटेलिंग के कारण आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी एंड आपका जो भी बिल्ड होगा उसको टचअप हो जाएगा, क्या कोई और भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे आपके बिल्ड्स के। ये हैक भी यूज़ कर सकते हो विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए एंड क्योंकि ये एज अ लैक्टर्न है कि आपको कोई भी हर एक विलेजर लाइब्रेरी भी बने लाइब्रेरी बनेगा एंड एज अ पिलर एज अ फेंस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपने थोड़ी भी माइनक्राफ्ट खेली होगी तो आपको पता होगा कि आप अगर एक ग्लास पेन भी यूज़ करोगे तो वो बहुत पतला रहेगा एंड टिंटेड ग्लास नहीं हो तो वो जाके स्काई में लगा हुआ है तो वो जाके नहीं दिखेगा आपको, किसी को नहीं दिखेगा। सो आप हम उसको यूज़ करके हम रिप्लिकेट करने वाले हैं सी लैंडन को, जो भी हर एक फेस्टिवल में यूज़ करते हैं। बस आपको ऐसे ही करना है जैसे वीडियो में दिखा रहा है एंड लगा देना है, आपको जस्ट लगेगा कि सी लैंडन उड़ रहा है एंड अगर नीचे से दिखेगा तो आपको वो ग्लास पेन भी नहीं दिखेगा, बट वो ग्लास पेन है लेकिन आपको नहीं दिखेगा। सो एक और हैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाली बिल्ड हैक को आप यूज़ कर सकते हो माइनक्राफ्ट में अगर दिवाली वाली आ रही है, आपको वीडियो बनाते हो एज क्रिएटर हो तो आप दिवाली के कंटेंट क्रिएटर हो या फिर क्रिसमस के, तो ऐसे ऐसे मौके में आप ऐसे बना सकते हो। सो गाइज ये वाली वीडियो के लिए हमारा लास्ट बिल्ड हैक होने वाला है, तो सो आज की वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एम है 100 लाइक्स का एंड सो होप सो हो जाए मेरी वीडियो में, तो 100 लाइक्स मुश्किल से ही आते हैं। एंड सो लास्ट वाली वीडियो में आपको लास्ट वाली हैक में आपको बस कुछ नहीं करना, एक ट्रैप डोर के नीचे लैंटर लगा के ऐसे ही ट्रैप डोर ओपन कर देना है एज ऐसे हो जाए एंड
ये भी एक लैंटर्न ही बन गया। एंड आपको डे नाइट डे में करके दिखाऊं, नाइट सॉरी मेरा मतलब नाइट में करके दिखाऊं, तो आप इजीली देख सकते हो द डिफरेंस कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये वाली हैक को भी आप यूज़ कर सकते हो एज डेकोरेटिव, एंड रात को आपको बहुत अच्छा लुक्स देगी, एंड एज अ सी लैंटर्न के लुक्स देती ही देती है। लेकिन आप क्रिसमस में वगैरह वगैरह प्रोग्राम में भी बना सकते हो इसको। सो गाइस, आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में लिख देना कि अगला पार्ट एंड मींस नेक्स्ट पार्ट टू जल्दी अपलोड करना, एंड मैं जल्दी कर दूंगा। एंड अगर आपको और वीडियो से चेकआउट करने तो मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। एंड जानना है कि मैं ऐसे ऐसे कैसे पिक्चर बनाता हूं, तो उसके लिए कमेंट भी कर देना, मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा एंड उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। सो वॉच आउट माई अदर वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।